Hello students, so in this lecture we are going to discuss weighted resistor TA to A converter. So we have this digital signal here. This is a reference voltage and we have MSB and LSB. Okay, so first of all, what will happen? This is operation amplifier and you can easily see that it will a summing amplifier. तो ये क्या होगा, समिंग एम्पलीफायर कैसे होगा? जैसे I3 है, तो ये जो I3 है इसको आप कैसे लिख सकते हैं, I3 equals to this VR. जैसे ये इसको स्विच, अगर B3 अगर 1 है तो ये कनेक्ट कर लेंगे हम इससे, तो I3 will be VR by R, okay, into B3. ठीक है, अगर 1 है तो कनेक्ट करेंगे, 0 है तो यहाँ होगा, तो B3 अगर 1 है तो 1 कनेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज 0. Similarly, I2 will be VR divided by 2R into B2. I3 equals to VR divided by 4R B3. I4 equals to VR divided by 8R into B0. This is B1, this is B0. और ये सब करंट क्या हो रहा है, यहाँ पे जाके KCL में अगर देखा जाए तो ये जो करंट है, ये करंट क्योंकि ओपन के अंदर यहाँ तो करंट जीरो होगा, ठीक है, ऑपरेशन एम्पलीफायर है, तो करंट ये इधर से पास होगा, तो जो आईएफ है, जो हमारा आईएफ है, दैट विल बी समेशन ऑफ दिस ऑल, आईएफ विल बी आई जीरो प्लस आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री. ओके, एंड दिस आउटपुट, ये करंट है आईएफ, तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट विल बी आई एफ इंटू माइनस ऑफ आर एफ. ठीक है, क्योंकि आउटपुट यहाँ से ले रहे हैं, ये रजिस्टर जो है इसका ऑपोजिट है, तो दिस विल बी आउटपुट. इस तरीके से ये जो हमारा डिजिटल इनपुट था उसको हम आउटपुट में, ये एनालॉग आउटपुट में हम चेंज करेंगे थ्रू दिस वेटेड रजिस्टर. क्यों नाम है इसका, क्योंकि इसको वेट दिया गया, आर एक आर है, एक टू आर है, एक फोर आर है, एट आर है, तो इस तरीके से इसको वेट दिया गया है. ठीक है, उस तरीके से इसको इसलिए वेटेड रजिस्टर बोलते हैं और इस तरीके से इसको कन्वर्ट करते हैं. इसमें ये जो हमारा जो यहाँ जो LSB का रेजिस्टेंस है, जिस रेजिस्टेंस अगर आप ध्यान से देखें तो इनके LSB और MSB का जो रिलेशन है, डेट विल बी जो रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है, LSB रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1 ऑफ MSB रेजिस्टेंस. ओके, तो कितना बिट है, 4 बिट है. ओके, तो उस हिसाब से जब आप इसको पुट करेंगे देन इट विल बी LSB रेजिस्टेंस. ठीक है, ये एक हमारा इसके वेटेड रजिस्टर का जो है, क्योंकि हम वेट असाइन कर रहे हैं हर रजिस्टर को, इस तरीके से एक रिलेशन होगा. एक जो इसका डिसएडवांटेज जो है इसका वेटेड रजिस्टर DAC का, वो ये है कि क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर यूज कर रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर यूज करने का मतलब डिफरेंट डिफरेंट टॉलरेंस जो लेवल लिमिट होती है इनकी अलग होगी, तो इसके कारण जो हमारा एक्यूरेसी जो है समवट इज लेस ड्यू टू दिस डिफरेंट रेजिस्टेंस एंड इट्स टॉलरेंस लिमिट के कारण. सो टू अवॉइड दिस वी आर यूजिंग आर टू अर लैडर नेटवर्क. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस आर टू अर लैडर नेटवर्क. थैंक यू वेरी मच.